नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पूजा और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम फ्लाई विद पूजा में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना एकदम आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम रेहू फिश ले लिया। ये छोटा वाला रेहू फिश है, आप अपने हिसाब से कोई भी फिश ले सकते हैं। में मैंने ले लिया है 1 चम्मच पीला सरसों, आप काला सरसों भी ले सकते हैं। 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1/2 चम्मच खड़ा मरीच, 1/2 चम्मच जीरा, ये 1 पोटी लहसुन है जिसको मैंने छील के ले लिया है, ये 2 हरी मिर्च है जो पक गया है, आप कोई भी हरी मिर्च या लाल मिर्च भी ले सकते हैं। इस सबका हम पेस्ट बना लेंगे। मसालों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाला मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, फिर इसमें हम अदरक डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर फिर से हम मसालों को पीस लेंगे। मसालों को मैंने पेस्ट बना लिया है, अब हम चलते हैं मछली में मिक्स करेंगे। बनके तैयार फिश फ्राई बनके तैयार हो गया। इस पे से हम डाल देंगे 2-4 बूंद नींबू का रस। इसे आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और एक बार आप भी इस फिश फ्राई को बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको और कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और